हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी के बाद ट्यूब कर्व के बारे में। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जो बाथ ट्यूब कर्व होते हैं, ठीक है, उसके थ्योरी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि थ्योरी इसमें क्या है। ठीक है, यानी कि जो बाथ ट्यूब कर्व होता है वो क्या है, वो एक ऐसा टाइप ऑफ मॉडल होता है डेनिमोनोस्ट्रेटिंग का। ठीक है, जो लाइकली यानी कि जो फेलियर रेट्स यानी जो टेक्नोलॉजिकल या फिर टेक्नोलॉजीज जो होते हैं प्रोडक्ट्स का, ठीक है, उसमें जो फेलियर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में ये बताता है। ठीक है, कि वो अर्ली फेलियर है यानी कि वियर आउट फेलियर बताएगा, कि कॉन्स्टेंट उसमें फेलियर क्या है, इन सारी चीजों का डिस्क्राइब यानी कि बाथ ट्यूब कर्व में किया जाता है। ठीक है, आई कह रहा हूं ओवर अ सर्टेन प्रोडक्ट लाइफ टाइम द बाथ ट्यूब कर्व शोस हाउ मेनी यूनिट्स माइट फेल ड्यूरिंग एनी गिवन फेज ऑफ फॉर अ फेज ऑफ अ थ्री पार्ट लाइफ टाइम लाइन। यानी कोई भी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका जो लाइफ टाइम है, ठीक है, जो बाथ ट्यूब कर्व होता है उसमें थ्री तरीके से क्या होता है डिफाइंड होता है। अर्ली लाइफ टाइम फेलियर में क्या है, अर्ली जो फेलियर है या फिर उसमें कॉन्स्टेंट फेलियर या फिर जो वियर आउट उसका फेलियर है, ठीक है, उन तीनों में क्या होता है, उसके थ्री फेजेस होते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम डिफाइन करते हैं उसके प्रोडक्ट के लाइफ टाइम के बारे में। आगे कह रहे हैं कि देयर आर थ्री फेजेस इन बाथ ट्यूब मॉडल। द फर्स्ट डाउनवर्ड पोर्शन ऑफ द कर्व इज कॉल्ड इनफाइंट मोर्टेलिटी। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, इनफाइंट मोर्टेलिटी होता है। ठीक है, फेज होते हैं, यानी कि जो अर्ली फेलियर होता है उसी को क्या बोलते हैं, उस फेज को इनफाइंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। आई कैन सो हाउ अ नंबर ऑफ यूनिट वुड क्विकली फेल ड्यू टू डिफेक्ट्स और अदर इश्यूज। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, चाहे कोई डिफेक्ट्स हो यानी कि अदर इश्यूज हो। ठीक है, इन सबसे क्या होता है, अर्ली लाइफ टाइम जो होता है, अर्ली फेलियर्स होता है वो क्या, यहाँ पे क्या होता है, ये फेल्स हो जाता है। सेकेंड, ये कह रहा है कि जो सेकेंड है, ठीक है, द सेकेंड पार्ट इज एन एंड ऑफ लाइफ इंक्रीजिंग फेलियर रेट है। ठीक है, एंड ऑफ लाइफ जो है उसको उसको इंक्रीजिंग फेलियर रेट को बताता है। टुगेदर देयर थ्री सेगमेंट्स लुक लाइक अ बाथ ट्यूब विद टू स्टेप एजेस एंड अ फ्लैट बॉटम। ठीक है, यानी कि टू स्टेप एजेस हैं, उसका क्या कह रहा है कि जो फ्लैट बॉटम, ठीक है, ये क्या है, फ्लैट है एकदम बॉटम इसका। ठीक है, यहां पे ठीक है, आई कह रहे हैं कि आगे मतलब कि जो थ्री इसके सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जो मतलब देख रहे हैं बाथ ट्यूब में, ठीक है, ये क्या है कि डिक्रीजिंग फेलियर रेट को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या मेंशन है कि ये डिक्रीजिंग फेलियर रेट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कि कॉन्स्टेंट फेलियर रेट है और ऑब्जर्व फेलियर रेट, ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या, इंक्रीजिंग फेलियर रेट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेलियर रेट इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कि फेलियर रेट यहाँ पे यहां से क्या हो रहा है, डिक्रीज होता हुआ यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हुआ, यहाँ पे से फिर इंक्रीज होने लगा। यानी आप ये समझ सकते हो कि कोई भी नई व्हीकल से कुछ भी नई डिवाइसेस हैं तो उसमें फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होकर आती है। ठीक है, तो वो कुछ टाइम तक क्या होता है कि वो कॉन्स्टेंट चलता है। ठीक है, अगर उसमें डिफेक्ट होगा तो वो अर्ली फेलियर नहीं, बहुत जल्दी उसमें फेलियर हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएगा। अगर नहीं है तो वो क्या, कुछ दिनों तक कॉन्स्टेंट चलेगा एंड एट अ टाइम जो कुछ टाइम उसमें बीत जाएगा तो क्या होगा, उसमें फेलियर होने के चांसेस इंक्रीज होते हुए जाएंगे। ये क्या कि पूरा कॉन्स्टेंट फेलियर की आप डिवाइसेस लिया तो आपने क्या, वो पूरा कॉन्स्टेंट चल रहा है उसमें फेलियर हो ही नहीं रहा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आइडियल प्रोडक्ट ऐसा हो क्या हो जाएगा कि वो आइडियल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो लाइन है क्या बता रहा है, अर्ली फेलियर को आपको डिनोट कर रहा है। ठीक है, अर्ली फेलियर होता है क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्टिव रहेगा, डिफेक्ट रहेगा चाहे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फिर वेल्डिंग के दौरान या फिर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके दौरान क्या हो गया, कुछ भी डिफेक्ट रहेगा और वो प्रोडक्ट क्या होगा, मैन्युफैक्चर होकर आपके पास आ गया तो क्या होगा, वहां पर अगर डिफेक्ट क्रिएट होता है तो वो अर्ली फेलियर के द्वारा क्या होता है कि उन इन मतलब जो मैंने बताया पॉइंट्स, इनकी वजह से क्या होता है, अर्ली फेलियर क्रिएट होता है। तो ये अर्ली फेलियर होता है और ये क्या होता है, ये डिक्रीज होता हुआ ज्यादा। ठीक है, आपके पास आया अपना डिवाइसेस यूज किया उसको तो अगर क्रिएट होना हो तो बहुत जल्दी क्या होगा, अर्ली फेलियर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि ये जो कर्व हो क्या वियर आउट फेलियर। ठीक है, यानी कि वियर आउट फेलियर क्या होता है कि वो वियर करता है फेलियर उसको। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, जब एट अ टाइम काफी दिन का हो जाते हैं तब क्या होता है, उसमें फेलियर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये लाइन जो होती है, ये कर्व क्या होता है, आपको वियर आउट फेलियर को बताते हैं। यहाँ पे इनके फेलियर रेट है और ये क्या टाइम को मेंशन करते हैं। ठीक है, ये पूरा क्या है, बाथ ट्यूब कर्व है, इसमें ये कर्व ये और यहाँ पे दो तीन, यानी ये तीन कर्व क्या होते हैं, मेन होते हैं। एक में क्या होता है डिक्रीजिंग फेलियर रेट है, दूसरे में इंक्रीजिंग फेलियर रेट इस साइड है, यहां पर ये अर्ली फेलियर रेट है और ये कॉन्स्टेंट फेलियर रेट को बताता है और ये वियर आउट फेलियर रेट को मेंशन करता है। ठीक है,